नमो नमः जयतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं नित्यं वन्दे संस्कृतमातरम् अद्य पाठशीर्षका अस्ति कादम्बरी कथामुख गद्य खण्डस्य व्याख्या छात्रों उसमें कादम्बरी से गद्य खंड की व्याख्या जरूर पूछी जाती है इसे आप विशेष रूप से तैयार करेंगे बहुत ही सुंदर ये गद्य है दुर्योधन इवोपलक्षित शकुनी पक्षपाता नलिनन नाभ इव वनमालोप गूढ़ नवजलधर व्यूह इव नवसी दर्शितोन्नति अखिल भुवन तलावलोकन प्रासाद इव वन देवतानाम अधिपति इव दंडकारण्य रण्यस्य नायक इव सर्व वनस्पति नाम सखेव विंध्यस्य शाखा बाहु विरूप गुह्येव विंध्याटव वीम मम स्थितो महान जीर्ण शाल्मी वृक्षः प्रस्तुत गद्य खंड में शाल्मली वृक्ष की जो है प्रशंसा की गई है बहुत ही आलंकारिक वर्णन है प्रसंग अस्ति प्रस्तुत गद्य खंडे महाकवि वानभट्टः सुकस्य जन्मस्थले शाल्मली वृक्षस्य अलंकारिक वर्णनं प्रस्तौति स्म व्याख्या अस्ति दुर्योधन इव धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र इव लक्षित शकुनि पक्षपाता उपलक्षितः दर्शितः शकुनौ तदाख्येश मातुले पक्षपाता आशक्तिः यस्य सत्तादृशः शाल्मली तरुपक्षे उपलक्षितः दृष्टः सकुणीनां पक्षिणानां पक्षाणां छन्दानां पातः पतनं यतस्मिन् सः तादृशः वनमाल्यः वनपुष्पमालया उपगूढः आलिङ्गितः वृक्षपक्षे वनव्यूह मालया अरण्यपङ्क्तया उपगूढा आच्छादिता नवजलधरव्यूह इव नवाः नूतनाः ये जलधाराः मेघाः तेषां व्यूह समूह तदीव नभसि श्रावणे दर्शितोन्नति दर्शिता प्रकाशिता उन्नतिः उच्छ्रायः येन सह वृक्षपक्षे नभसि आकाशे दर्शितोन्नति अखिल भुवन तलावलोकन प्रासाद इव वन देवतानां विपिनाधि देवीनां अखिलं समस्तं यत भुवनतलं लोकतलं तस्य अवलोकनं निरीक्षणं तदर्थ विनिर्मितं यत् प्रासादः देवगृहं तदीव दण्डकारण्यस्य वनस्य अधिपतिः स्वामी इव सर्ववनस्पतीनां सर्वेषां सकलानां वनस्पतीनां पुष्परहितानां फलमात्रयुक्तानां वृक्षाणां नायक इव अध्यक्ष इव विंध्यस्य दक्षिण पर्वतस्य सखेव मित्र इव शाखा बाहु भी रूप गुह्येव शाखा एव बाहवः पूजाः तै उपि गुह्या आलिङ्गय इव विंध्याटवीम् अवस्थितः विद्यमानः महान विशालः जीर्ण पुराणः शाल्मली वृक्षः स्थिरा युतरुः आसीतीति शेषः पिच्छिला पुरणो मोचा स्थरायु शाल्मली द्वयोः इत्यमरः बहुत सुंदर ये गद्य शाल्मली वृक्ष का आलंकारिक वर्णन विशेष रूप से इसमें प्रस्तुत गद्य खंडे महाकविना वानभट्टः महाकवि वानभट्ट उपमा उत्प्रेक्षा च श्लेषालङ्कारस्य बहुप्रयोगं कृतम् अस्ति पदे पदे अलङ्कारस्य प्रयोगं कृत्वा भाषायां सरलता स्वभाव स्वाभाविकतया तथा च सौन्दर्यानुभूति रूपेण अव्यवहितम् अस्ति नमो नमः पुनर्मिलामः कोरोना हारेगा भारत जीतेगा कोरोना से बचने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं आता वैक्सीन के रूप में मास्क का प्रयोग करें सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलें छात्रों क्योंकि हमको बच के रहना है और परीक्षा को अति सुंदर रूप से देना है तैयारी करना है जय जय सीता।